अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ब्लड मून बनाने का तरीका सिखाऊंगा। मैं दो तीन अलग किस्म के शेडर्स ब्लड मून के बनाऊंगा, क्योंकि ये देखें, एक जगह पे ये रेड किस्म का है, दूसरी तरफ से ये येलोविश ऑरेंज टाइप सा है, और ये काफ़ी सारे फैंसी सीन्स का ये देख सकते हैं कि असल के साथ फैंसी सीन के अंदर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्लड मून को एनिमेट करना भी सिखाऊंगा, आम चांद ब्लड मून में एक्स्ट्रा ट्रांजिशन कर रहा है। मैं तीन डिफरेंट तरीकों से आपको सिखाऊंगा, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप इन तीनों में से चूज़ कर सकें। ये देखें, तीन अलग तरीके हैं, ये तीनों में अलग तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरह एनिमेट करना है ब्लड मून इन तीनों तरीके से। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर चल जाएं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, और नेसा ने ये टेक्सचर्स रिलीज किए, जैसे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वेबसाइट पर चल जाएं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो फिक्र ना करें, और यहाँ से टेक्सचर्स डाउनलोड कर लें। मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है, तो आपने जो आपको सही सही लगता है, आपको लगता है जगह नहीं लेगा, वो यूज़ कर लें, और डिस्प्लेसमेंट में अभी फिर डाउनलोड कर लें। मैंने पहले से किया, वैसे मैं फिर से नहीं करूँगा, जो आपको सही सही लगता है। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ब्लेंडर पे। तो सबसे पहले हमें एक चाहिए यूवी स्फीयर, शिफ्ट ए दबाएं, मैश और यूवी स्फीयर 7 क्लिक करें, ताकि हम लोग टॉप व्यू में चल जाएं, और टैब को दबा के एडिट मोड में चल जाएं। फिर हम लोग एच सेलेक्ट मोड के ऊपर जाते हैं, और हम लोग ये एक ऑल्ट क्लिक करके एच की पूरी लाइन सेलेक्ट कर देते हैं, और फिर राइट क्लिक करें या लेफ्ट क्लिक भी हो सकता है आपका, और क्लिक कर दें मार्क सीम को। इस तरह से हम लोग अनरैप, यूवी अनरैप जब इसे करेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। फिर टैप करके वापस सॉलिड मोड में आ जाएं, और मैं इसके ऊपर एक बार सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर 1 लेवल का लगाऊंगा, क्योंकि मुझे उतना इनफ लगेगा। अप्लाई कर दिया, और हम लोग शेड स्मूथ कर देते हैं। तो फिर अब हम लोग इसके ऊपर मटेरियल करते हैं। सिंपल मटेरियल जो पहला है वो हम लोग करेंगे सिंपल मून में, आपको बताऊंगा ब्लड मून नहीं होगा, सिंपल मून होगा। और हम लोग इसे एक मिशन शेडर बना देते हैं, और इसके लिए हमें फिर ब्लूम भी ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि ईवी में ब्लूम यूज़ होती है। और इसकी स्ट्रेंथ हम लोग कर देते हैं 7, ठीक रहेगी। फिर हम लोग चलते हैं शेडर एडिटर पे, और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट ए दबा के उस तरह से इमेज टेक्सचर निकाल लेते हैं, और फिर मैपिंग नोड भी चाहिए होगी, और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे हमें। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूवी वाले, क्योंकि हमें यूवी हम लोग एक टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से हमें यूवी वाले मैपिंग में प्लगइन करेंगे। फिर जो वेक्टर है वो उसके वेक्टर में आ जाएगा इमेज टेक्सचर के अंदर, और कलर इमिशन शेड में। फिर हम लोग ओपन करेंगे जो मून टेक्सचर हमारे पास पड़ा हुआ है उसे, ये देखिए जो मून टेक्सचर है वो ओपन। और फिर हम 3D व्यू में जाके देखते हैं रेंडर्ड मोड में, और ये देखिए हमारा चांद रेडी है, और ये हमारा बेसिक चांद तो रेडी हो गया है। लेकिन अब अगर से हम लोग थोड़ा फैंटसी टाइप सा बनाना चाहें, तो ये देखें फैंटसी टाइप चांद बनाने का तरीका भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक नोट बीच में और ऐड होगी, शिफ्ट ए पाएं और कलर रैम्प ले आए बीच में, और हम लोग इस कलर रैंप को काट देते हैं। चलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा डार्कश ब्लू और ये थोड़ा लाइटिश ब्लू करके, देखिए फैंसी सा ब्लू मून फैंसी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसकी जगह पिंक कलर भी अक्सर फैंसी में इस्तेमाल किया जाता है, पिंकिश पर्पल टाइप सा जो शेड है, और कुछ लोग येलो भी यूज़ करते हैं, मतलब जो अपनी पसंद है। कुछ लोगों ने तो मतलब ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि तीनों कलर के मून्स होंगे, तीन अलग किस्म के मून होंगे, फैंसी है इस वजह से हो सकता है। और ये जो बेसिक शेड हमने अभी बनाया है चांद का, यही हम लोग अभी बाकी सारा यूज होगा, यही काफी सारा वापस यूटिलाइज होगा। तो ये मैं अब आपको तरीका बताता हूँ किस तरह इस्तेमाल होगा। तो एक चांद तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बाकी जो ब्लड मून के शेड है वो बता सकूंगा। सबसे पहले हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार जरूरत पड़ेगा। कॉपी कर लिया, ठीक हो गया। और मैं अब इस वाले स्फीयर को हाइड कर देता हूँ, और मैं अब एक और स्फीयर ले आता हूँ, और उसे भी उसी तरह ही सब डिवाइड एक बार कर देता हूँ, और शेड स्मूथ, और इसे एक नया मटेरियल ले देता हूँ, और मैं इसे कहूँगा सिंपल ब्लड मून। हम लोग रेंडर व्यू में बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिलीट करके पेस्ट कर देता हूँ। अब सिंपल ब्लड मून के लिए सबसे पहले तो
अच्छा, ये मैं आपको ब्लैक को मैंने कहा था आपको दो शेड सिखाऊंगा, इस वजह से फिर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको दो अलग किस्म के दिखाऊंगा कि कलर जो हो सकते हैं ब्लड मून के। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि ये रेडिश टाइप सा जो होता है, वो आपकी मर्जी आप किसका बना देते हैं। और जो दूसरा जो ऑरेंजिश टाइप सा था वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम लोग थोड़ा ये ऑरेंज सा कर लेते हैं, ब्राइट ऑरेंज। बल्कि मैं सब प्लग इन कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि रिजल्ट हम लोग सब लोग देख सकें। ऑरेंज, येलोइश और फिर से ऑरेंज, लाइक एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी सारी करनी पड़ती है इस फील्ड में। तो आई थिंक येलो ज्यादा हो गया, ये देखें अभी ऑरेंजिश टाइप सा जो शेड है वो भी आ गया। तो ये दो किस्म के हैं जो आप कर सकते हैं ब्लड मून्स। तो मैं अभी के लिए रेड रे यूज करूंगा क्योंकि रेड ज्यादा सही फील दे रहा है। तो अब इसके ऊपर एनिमेट करने की बारी आ गई। तो एनिमेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक और कलर है, एक और बार हम लोग से पेस्ट करेंगे नोट्स को और हम लोग उनको के अंदर ऐड करेंगे एक और मिक्स शेडर। और मिक्स शेडर के अंदर ये दोनों प्लग इन हो जाएंगे और उनमें से एक को हम लोग नॉर्मल मून के कलर्स दे देंगे। और एक और कलर रैम्प ऐड होगी दोनों को कंट्रोल करने के लिए, जो तो ट्रांजिशन के लिए काम करेगी। कलर हम लोग करते हैं इधर, ये देखिए अभी ये वाइट है। तो अब अगर हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से रेड वाला हो जाए ट्रांजिशन करे, तो सबसे पहले हम लोग इस एयर को इस रिमूव करेंगे और दूसरे वाले को फिर इधर कर देंगे और आस्ता आस्ता रेड में चेंज हो गया। ठीक, तो अगर आपने एनिमेट करना है तो आपको की फ्रेम्स यूज़ करेंगे। तो की फ्रेम यूज़ करने के लिए तरीका ये है कि आप जो ये है इसके ऊपर क्लिक करें और उसकी जो पोजीशन है उसके ऊपर आई क्लिक करेंगे तो की फ्रेम यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को क्लिक करें क्योंकि उसकी पोजीशन पे मैटर करती है, तो वहाँ पर की फ्रेम आई क्लिक करें तो लॉक हो जाएगा। फिर से मूव करें आगे जहाँ पे आप चाहते हैं तो नेक्स्ट चेंज आए। मैं अभी के लिए फ्रेम 50 पे ले जाता हूँ उसे और फिर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ आई, फिर से दोबारा के सुधारी और फिर दूसरे वाले की पोजीशन चेंज कर देता हूँ जब तक वो रेड ब्लड मून हो जाता है और फिर से आई क्लिक करता हूँ और फिर मैं अपने से वापस लेके जाता हूँ। ये देखें अब ट्रांजिशन आ रही है बार बार, ठीक है। ये अब एक तरीका हो गया सिंपल ट्रांजिशन। अब हम लोग एक और मटेरियल बनाएंगे और एक अलग हार्मोन के लिए होगा, तो मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ। और एक और यूवी स्फीयर आ गया, उसे भी सुधर सब डिवाइड हाइड कर दिया और उसे से भी स्मूथ शेड कर दिया। और नया मटेरियल हम लोग बनाएंगे, इसका है शार्प ब्लड मून। तो उसी तरह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा काफी सारा, उसी तरह मिक्स शेडर साइन कर दें। पेस्ट एक और बार करके और
अब शार्प के लिए एक चीज हम लोग डिफर करेंगे, कलर रैंप उसे एक कॉपी कर लेंगे, लेकिन इस बार हम लीनियर की जगह कांस्टेंट रखेंगे और इसे उसी तरह फैक्टर में इनपुट कर देंगे, लेकिन डिफरेंट ये होगा कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगी सेपरेट एक्स वाई जी, उसे हम लोग मैपिंग नोड के वेक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे और हम लोग अभी एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो उस वजह से एक्स एक्सिस में आ जाएगा। तो अभी देखिएगा जो ट्रांजिशन शार्प होती है एक्स्ट्रा होती है, ये देखिए एक्स्ट्रा शार्प आया, अगर कोई फैंसी स्टेट लुक करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो इसे भी एनिमेट करने का वही तरीका है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इस एक जो है इसके लिए बस पोजिशन लॉक करनी पड़ेगी, तो आपको सिर्फ इसके लिए की फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो अब फाइनली जो थर्ड मून शेडर है ब्लैक मून शेडर है वो करते हैं शिफ्ट ए, यूवी स्फीयर सब डिवाइड स्मूथ शेड न्यू मटेरियल, और ये नॉइस ब्लड मून में कर देता हूँ क्योंकि नॉइस टेक्सचर का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और इसे भी हम लोग इमिशन कंसिडर कर देते हैं। मैं पेस्ट करता हूँ उसी तरह ही, बल्कि मिक्स शेड ऐड करना भूल गया, मिक्स शेड पेस्ट करते हैं दूसरे वाला भी। और इस वाले को मैं चेंज कर देता हूँ नॉर्मल में, और फिर से कलर रैंप और अब हम लोग बीच में ऐड करेंगे नॉइस टेक्सचर। और इधर भी हम लोग लीनियर की जगह करेंगे, बल्कि लीनियर को ही ट्राई करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा असर होता है। लीनियर पे भी वो हो सकता है अगर आप इस तरह का चाह रहे हैं इफेक्ट, और अगर आप कांस्टेंट ट्राई करते हैं तो उस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट ज़्यादा शार्प इफेक्ट आता है। तो अब आपकी मर्जी, आपने शार्प करना है या बिल्कुल थोड़ा स्मूथ ही कैसे करना है, ये देखें फैंसी सीन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, और आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। तो अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।